दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2019 से यहां बहुत ज़्यादा गड़बड़ मचा रही है। हालांकि बात करें तो 19 में कप्तान थे दिनेश कार्तिक, फिर आए ओयन मॉर्गन 20 में यानी आधे सीजन में। इसके बाद साल 2021 में भी मॉर्गन कप्तान रहे, साल 2022 में ये कप्तानी श्रेयस अय्यर के हाथों में रही और दोस्तों कप्तान बदलते रहे बट रिजल्ट नहीं बदला। और इन लास्ट दोस्तों यहाँ इनको हेड कोच ही बदलना पड़ गया। बट दोस्तों हेड कोच यहाँ पर कौन होगा आज की वीडियो ये है, बट पूरी तरह से ये भी नहीं है। बट दोस्तों आज हम कोई और कोच की बात नहीं करेंगे, हम आज रिप्लेसमेंट की बात करेंगे कि ब्रेंडन मैकुलम की क्या रिप्लेसमेंट होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, केकेआर के बड़े वाले फैन हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि एज अ प्लेयर हम ये रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं कि अगर टीम में अगर एज अ प्लेयर मैकुलम खेल रहे होते तो अगर ये चोटिल हो जाते या बाहर हो जाते तो किसको रिप्लेसमेंट लाया जाता। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर आज ना बात होने वाली है जैक कालिस की, ना बात होने वाली है एडम गिलक्रिस्ट की या रवि शास्त्री की, या दोस्तों कोई और भी प्लेयर हो यूसुफ पठान जिसको आप एज अ कोच देखना चाहोगे, आज उनकी बात नहीं होने वाली है। आज बात होने वाली है कि अगर ब्रेंडन मैकुलम उनकी सेम काबिलियत की तरह पे एक खिलाड़ी को लाया जाए, जैसे वो पावरफुल हिटर हैं, अग्रेसिव नेचर के हैं, यहाँ पर गेम प्ले उनका देखा जाए तो उसी तरह से अगर किसी को लाया जाए तो दोस्तों आज मैं आपको टॉप 5 नाम बताने वाला हूँ। अलग अलग देशों से ये पिक करके एक एक नाम हमने चूज किया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को इनके नाम बता देता हूँ, बट उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। वहीं दोस्तों माई गेमिंग नेशन यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री जर्सीज मिलने वाली है बहुत जल्दी और यूसीज भी मिलेंगे फ्री में, तो उसको भी फॉलो कर लेना। और दोस्तों ये प्लेयर्स के नाम हैं, नेथन मैकुलम न्यूजीलैंड, केविन पीटरसन इंग्लैंड, डेरेन सामी वेस्ट इंडीज़, ब्रैड हेडन ऑस्ट्रेलिया, कॉलिन इनग्रैम साउथ अफ्रीका। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे टॉप नाम हैं जिनको टीम केकेआर एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेंडन मैकुलम कंसिडर कर सकता है। बट दोस्तों इनकी अगर काबिलियत की बात करें तो इनको कोचिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एक बात पड़ जाती है। तो खैर दोस्तों यही थी आज की वीडियो, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी जरूर लाइक करना।